एनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश को देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे और उसकी कुछ झलकी आप देख रहे थे। लेकिन आपने सुना कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री के उस बयान के ऊपर कोट किया है और उन्होंने कहा है कि एक वोट बैंक की जो राजनीति चलती है उस पर किसी धर्म विशेष को लेकर बार बार चर्चा कहां तक उचित है। वारिस भाई, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, पहले बात कंप्लीट कीजिए और उसके बाद शाजी अलमी आपका रुख करूंगी। देखिए, मोदी जी मुसलमानों की बात करते हैं, अमित शाह स्टेज से खड़े होकर बोलते हैं कि हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, पर्सनल लॉ को हम खत्म कर देंगे। तो क्या मुसलमान हित की बात कर रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी कहा कि हम लोग वो मथुरा काशी बाकी है, अब उनको पता है कि मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो क्यों पोलराइज करने की बारी आ गई। मतलब साफ है कि इनको समझ में आ गया चार चरण के चुनाव के बाद के पूरी तरह से ये हार रहे हैं। इनके 400 पार के नारे भी फेल हो गए, 200 के इनकी तकलीफ हो गई, तो अब फिर वही पुरानी राजनीति पर चले गए, पोलराइज करेंगे, क्योंकि विकास की तो बात करना नहीं है, बेरोजगार को रोजगार देने की बात करना नहीं है। मोदी की सारी गारंटियां फेल हो गई है। 2002 से मोदी जी ने एक ही गारंटी चलाई है देश भर के अंदर, वो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां बको और अपनी राजनीति चमकाओ। मुसलमानों के नैरेटिव आपका फेल हो गया ना वारिस भाई, उसी नैरेटिव को तो फेल कर दिया ना पीएम ने, जब कल उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ईद पर खाना नहीं बनता था, चूल्हा नहीं जलता था, आस पड़ोस के मुसलमान घर पे खाना भिजवाते थे, मुहर्रम में ये कंपलसरी था कि मैं ताजियों के नीचे से गुजरूं। ये जब बड़े बयान आते हैं तो वो आपको आपके आपके दिल को दर्द तो पहुंचेगा, क्योंकि आपके वोट बैंक को वो हिला देंगे। कोई नहीं हिलाए वोट बैंक, मोदी जी का पूरा चेहरा देश के सामने आ गया है कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गए, घबराहट सबको दिख गई है। अब मुसलमान याद आ गए, जब बिना नोटिस के मुसलमानों के मदरसों को तोड़ा जा रहा था, जब तो मोदी जी खामोश बैठे थे, जब मुसलमानों को घुसपैठिया बोल दिया मोदी जी ने उठा के, तो क्या हम घुसपैठिया है? आप और मैं दोनों मुसलमान है, आप और घुसपैठिया है क्या? हमने आजादी की लड़ाई के आप भी जानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो सवाल मैंने उनसे पूछा है, नेगेटिव कर रही है, घुसपैठिया ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला सवाल किसी और ने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है और उस पर बकायदा उसमें जवाब मिला है। आप क्यों जबरदस्ती की सारी चीजों को 2+2 4 करने की कोशिश कर रहे हैं, 1+1 11 करने की कोशिश कर रहे हैं? झूठा जवाब मिला आपको, उन्होंने किसको कहा था? क्या गरीबों में, चलिए बताइए, गरीबों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, गरीबों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ये जवाब मिला है? आप उस वीडियो को ना 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 आप उसे क्यों जोड़ देना चाहते हैं? आपके पास दुनिया भर की चीजें बात करने के लिए, लेकिन आप जबरदस्ती जो है मुसलमानों को डराने वाली राजनीति करते क्यों करेंगे? उन्होंने इस तरह की बात की है? शाजी अलमी जवाब दीजिए, हम समझाने में शाजी अलमी जवाब दीजिए। विका जी, मैंने पूरा इंटरव्यू आपको समझाने में, वारिस पठान कह रहे हैं कि आप लोगों के दिन फिर आप लोगों के दिन लग गए हैं और आप लोगों की सरकार अब नहीं बनने वाली है, सबको समझ में आ गया, अब जवाब दीजिए। ओके वारिस पठान, आपका सवाल मैं शाजी अलमी के पास रख रही हूं, जवाब देने दीजिए। ओके वारिस भाई, आपने जो सवाल पूछा रूबिका जी, उसका जवाब बहुत ही बेबाकी से, साफ गोई से प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बिल्कुल साफ तौर पे सबने सुना भी है और सब जानते भी हैं, यही असलियत है। लेकिन हमारे भाई साहब यहाँ पे जान बूझ के ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, कि उनकी पूरी सियासत का जो आधार है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करो, मुसलमानों को अंधकार में डालो, तो कैसे वारिस भाई लगातार क्यों बोल रहे हैं? वारिस भाई एक सेकंड, एक शाजी, हाँ शाजी अलमी, मैं बताती हूँ वो लगातार क्यों बोल रहे हैं। ये वारिस भाई की स्ट्रेटेजी है, अगर उनके बीच में कोई बोल पड़ता है फिर वो चुप नहीं होते। वारिस भाई, हम समझ गए आपकी स्ट्रेटेजी, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, अब इंतजार कीजिए। शाजी, हाँ वो चुप हो गई थी, अब शाजी अलमी बात बहुत देर तक बात, ठीक है वारिस भाई, समझ में आ गई आपकी स्ट्रेटेजी। हाँ, शाजी अलमी बोलिए। देखिए यही तो राजनीति है, ये जो झूठ मुड़की से सेक्युलर पार्टीज हैं वो दरअसल इतनी ज्यादा फिरका परस्त हैं और कम्युनल हैं और मुसलमानों के खिलाफ काम करती हैं। इन्होंने इसीलिए तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर इसी तरह से बार बार रहनुमाई की है और दरअसल उनके साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने हमेशा अंधकार में मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दे दिया, एक मुसलमान आगे जाए राजनीति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। वारिस भाई, एक काम करते